केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी चार बयान के आधार पर हुई, मात्र चार बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए। सी अरविंद का बयान कहीं पर भी नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए। वो सिर्फ इतना कहता है कि सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े उनको कुछ कागज मिले। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये थी चार में से दो गवाही, बाकी दोनों गवाही पिता और पुत्र एमएसआर मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी और उनके सुपुत्र राघव मगुंटा रेड्डी की थी, जिनकी पूरी डिटेल सौरभ भारद्वाज जी ने आपको बताई कि किस तरह से एक सांसद होने के नाते एमएसआर अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें पत्र दीजिए, हम एलजी साहब को बताएंगे। उसके बाद ना एमएसआर का ना उनके पुत्र राघव मगुंटा का अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी संपर्क रहा। जब 16 सितंबर को उनके घर पे रेड होती है, फिर से पिता और पुत्र के स्टेटमेंट होते हैं जहां पर वो दोनों कहते हैं कि हमारी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई जान पहचान नहीं है, मात्र उनके पिताजी एमएसआर एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिले, फैमिली ट्रस्ट की जमीन के लिए मिले। लेकिन ईडी को इससे संतुष्टि थोड़ी होती है। जब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, जब तक भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, वो इस केस के हर गवाह को प्रताड़ित करते रहते हैं। और इसी प्रताड़ना के तहत राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद भी राघव मगुंटा के पिताजी एमएसआर इस बात पे कायम रहते हैं कि उनकी अरविंद केजरीवाल जी से एक्साइज पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। राघव मगुंटा रेड्डी के भी बार बार बयान होते हैं, वो भी इस बात पर कायम रहता है कि उसका अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है, तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद,
फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलआई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलआई टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है और साउथ लॉबी के में एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआई टीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को ये चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। यह मेरा ईडी को चैलेंज है।